बहुत ही अच्छी टीम है और आज जैसा कि अभी तक मैंने टीवी पे देखा कि हाई स्कोरिंग मैच चल रहे हैं, सारे ही मैचेस में काफी हाई स्कोर जा रहे हैं, तो कितने का टारगेट लेके आप उतरने वाले हैं आज ग्राउंड में? मल्टीप्लाई प्लस से जाना चाहूंगा कि सामने बहुत बड़ी टीम है, जॉली भी अच्छा कह रही है। जो जॉली स्पोर्ट्स है उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो उसके लिए क्या आग में प्लान है कि उसको कैसे, मतलब उनकी बॉलिंग को अपनी बैटिंग? हमारे पास बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, हमारे ओपनर चल गए तो अच्छा अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। ये थे मेरे साथ प्रतीक, ओवर टू यू इन कमेंट्री बॉक्स। इज ऑलराइट आरती, बैक टू क्रिकेट नाउ, यू आर वाचिंग क्रिकेट के रंग। थैंक यू वापस सर, 5 मिनिटे थांबवते या ठिकाणी उपस्थित मान्यवरांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करूया। रवींद्र भोईर उद्योगपती सरवली वाडे यांना विनंती करतोय आपण पुढे यायचं। रवींद्र भोईर त्यांचं स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठ करण्याची विनंती शरद म्हात्रे यांना करतोय, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते भादवड सुंदर गणू भोईर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा विनंती असेल आपण पुढे यायचं आणि आमच्या स्वागताचा स्वीकार करायचंय। वेलकम सुस्वागत आमदार चषक 2017 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सुंदर गणू भोईर त्यांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे। या ठिकाणी शुभागमन होत आहे आमदार चषक 2017 चे सन्माननीय प्रेरणे डॅशिंग नगर सेवक संजय भाई मात्र आपलं सायंकाळच्या सत्रामध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। काय होतंय, काय बिघडतंय, विनंती करतोय कॉमेंट्री बॉक्स। तसेच सोपान पाटील उद्योगपती सरवली बाळा यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे, आपल्याला त्यांना विनंती करतोय आपण पुढे येऊन आमच्या स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे। ओटू कॉमेडी बॉक्स सिद्धी बाबे सर। धन्यवाद मनोहर तरे, मैच की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर्स ग्राउंड में, मराड़ा पंजाब का नाम जॉली स्पोर्ट कामतगर, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आमदार चषक 2017 में। यस टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड दे रिकॉग्नाइज मैन यशपाल माली विथ आतिश पाटिल। आतिश पाटिल प्लेड अ टेरिफिक नॉक इन प्रीवियस मैच, 45 रन्स। सो यू आर वॉचिंग क्रिकेट के रंग महेंद्र स्पोर्ट्स के संग। नेक्स्ट मैच बिटवीन बिग मैच ऑफ द इवनिंग बिटवीन हबीब अंसारी फैम टीम बी इंडियन एंड संजय मात्रे फैम टीम मयूरेश स्पोर्ट। यस अ टफ इनकाउंटर, ऑलवेज द प्लेयर्स ऑफ मयूरेश मीट बी इंडियन ऑन दिस ग्राउंड प्रीवियस 5 इयर्स। यस नाइस, 5 साल से मुकाबला हर बार होता रहा है, आज भी मैच की शुरुआत होती हुई आई है बाबी सर के साथ में। थैंक यू। संदेश इज गोइंग टू बी अभि पाटिल, विकेट टेकर बॉलर, बैटिंग पावर प्ले टेकन, फर्स्ट बॉल पुट अवे नाइसली इन द गैप, कैलकुलेटेड 6, व्हाट अ शॉट। ये तो सर जिस तरह की शुरुआत की है आतिश पाटिल ने। यस मैन इन फॉर्म, ही प्लेड अ टेरिफिक नॉक इन प्रीवियस मैच, 45 रन्स, फर्स्ट वन वाज अ टक्ड अवे इन फ्रंट ऑफ हिज लेग्स, अ कैलकुलेटेड 6। ये 6 से मैं तो कहूंगा आरती गुप्ता को वेलकम कहा है बाबे सर। अभि पाटिल बॉल दिस टाइम स्वीप, वन बाउंस क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4। क्या बात है सर, आतिश ने आते ही अपनी आतिशी पारी शुरू कर दी है। कैप्टन ऑफ जॉली स्पोर्ट कामतगर, बिकॉज आतिश इज फ्रीज इज आर्म इन मैंडेटरी पावर प्ले। यस 10 for 9 wickets। यस नाइस, ये है सिद्दीक भावे सर, 25 साल से कॉमेंट्री बॉक्स, भिवंटी की जनता का प्रेम हमारे कॉमेंट्री बॉक्स को। एंड देयर वी वॉच अभि पाटिल, बॉल दिस टाइम ट्राई टू ड्राइव इन फ्रंट ऑफ विकेट, ठीक आउटसाइड एज, रोज टू पॉइंट, नियार इज देयर एंड विद द स्टॉक बैट्समैन थ्रू फॉर 1। मराठा पंजाब 11 for 9 wickets, दिस इज द अटैकिंग स्टार्ट संदेश फ्रॉम आतिश पाटिल। आणि निश्चितच आमदार चषक 2017 मध्ये आज आगमन होणार आहे पालघरचे सन्माननीय आमदार अमितजी घोडा साहेब, आपला आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। जीतू गवली जी आपको स्टैंड में बैठना है प्लीज, थैंक यू।
This time put away over the infield, one mouse cross the boundary for four. The man in form, Yashpal Mali. Look at that, turning with the corner, elegantly stalking it. He taken the advantage of power play, one bounce, cross the long leg boundary for four. So runs coming very easily and his score moves up to 15 for no wicket. Abhi Patil. Ball this time, try to sweep, ball him around the legs. Yashpal Mali is out. First wicket is gone now. Yashpal Mali. Out okay, jate hue. Is waqt Yashpal Mali around the legs and join Aarti Gupta in the dugout. Yashpal Mali is out for four, help of one boundary, and new man in Sunil Garat, but Yashpal is set back to the pavilion, he is out for four, joined Aarti Gupta in dugout. यहाँ मेरे साथ जुड़ चुके हैं यशपाल जी. यशपाल, आतिश ने अभी आतिशी पारी खेलनी शुरू करी थी और आप उनका अच्छा साथ निभा रहे थे और सडनली विकेट खोना पड़ा, तो आपको लगता है कि अभी भी आपकी टीम बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करेगी और आपके जाने से क्या नुकसान होने वाला है इस टीम को? नहीं, और भी बैट्समैन है, अच्छे रन बनाएंगे वो आने वाले बैट्समैन. अपने विकेट जाने का कितना कैसा फील हो रहा है? फील तो हो रहा है, दुख हो रहा है थोड़ा. थैंक यू, ओवर टू यू इन कमिंग बॉक्स. थैंक यू आरती. So first wicket is gone now, first over in progress, and his score is 15 for the loss of one wicket. Is going to be Abhi Patil, turn from Shyam Naik gallery end, turn from far end, facing him Sunil Garat, use the short back leap, loose bottom and push, they threw for a risky single. If ball hits the stump there, will be a very very close indeed. अगदी बरोबर. जर एस्टाने लागला असता तर निश्चितच पंचांना विचार करावा लागला असता या चेंडूवर. दॅट मार्क्स एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. लुक एट दॅट इन डिफरंट अँगल, ब्युटिफुल टेलिकास्ट. सो दॅट मार्क्स एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर, 16 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट. आमचे भाऊजी सुनील जी वाहिले, आपलं सुद्धा मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय आमदार चषक 2017. मित्रांनो, भिवंडीतील एकता अखंडता आणि एकात्मतेचा संदेश देणारा क्रिकेटचा महासंग्राम म्हणजे आमदार चषक. कमांडो बाईकवर जर आपलं नाव कोरायचं असेल तर स्वर्गीय महेंद्र लक्ष्मण म्हात्रे व्यासपीठावर येऊन या व्यासपीठाची आपण शान वाढवायची आणि निश्चितच कमांडो बाईक जर जिंकायची असेल तर 1000 रुपयाच्या कुपन आपण या व्यासपीठावर उपलब्ध आहे. थोडेच कुपन शिल्लक आहे, लवकरात लवकर येऊन आपण निश्चितच या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यायचा आहे. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. आपण पाहू शकता ओम साई ऑटोमोबाईल्स संदीप पाटील प्रोप्रायटर, कमांडो स्पोर्ट बाईक दाखवली आहे, अमेरिकन बाईक. एक वर 16 रन, अच्छी शुरुआत. संदेश हम कहेंगे योगेश भोईर फैम टीम मराठा पंजाब के. गेंदबाजी के लिए पर्णिल, कल 4 विकेट ली थी उन्होंने एक ही ओवर में अंजुमन की. सुनील गरत के लिए, आगे रखा था बैकलिफ को नीचा रखा, टर्न किया ऑन साइड में, 1 रन बनता हुआ स्कोर में 17 पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गवाने के बाद. या सीजन मध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते प्रणील याची, कारण की आपण जर कालचे मॅच बघितली तर एक चांगली गोलंदाजी करून आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला होता प्रणील याने. मयुरेश एंटरप्राइजेस के कॅप्टन और बी इंडियन के कॅप्टन, आप दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए. यस, हो सकता है कि ये मैच एक मैच के बाद रहे. इस बीच अगेन कट किया, उस गेंद को जगह दी थी वहां पे हाथ खोलने की, लेकिन प्लेसमेंट उतनी बढ़िया नहीं, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पे जाती हुई 1 रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ मराठा पंजाब का 18 रन पे पहुंच चुका है. चांगली सुरुवात पाहायला मिलते मराठा पंजाब या संघाकडून. यशपाल आउट झाल्यानंतर पार्टनरशिप पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमध्ये, सुनील गरत आणि आतिश पाटील याच्यामध्ये. प्रणील, सुनील गरत के लिए, आगे रखा था, फिर से टर्न किया पैरों के सामने आउटफील्ड में, डीप स्क्वायर लेग पर
एक रन बनता हुआ। इस ओवर में रन सिंगल से बन रहे उसका कारण है कि बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी कर रहे परनील। निम्बोली 40 प्लस और खारबाम 40 प्लस के कैप्टन को तुरंत ही संपर्क करना है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए शॉर्ट गेंद बैकफुट पे गए, हवा में स्ट्रोक और आतिश पाटिल आउट। बड़ा झटका लगता हुआ आउट होने से पहले आतिश पाटिल ने 12 रन बनाए। शिवसेना विभाग रविदास अत्रे साहेबांनी या संपूर्ण दृष्टाला अंतर चषक 2017 ये देखिए किस तरह से आउट हुए आतिश पाटिल। 12 रन बनाए और कल 45 रनों की बढ़िया बारी खेली थी, आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए आतिश पाटिल। 12 रन पे आउट होकर जा रहे हैं इस वक्त डगआउट में आरती गुप्ता से जुड़ने के लिए। और यहां मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने शुरुआत बहुत ही अच्छी करी थी, लेकिन जैसा कि अभी अभी भावेश ने बोला कि कल उन्होंने बहुत ही आतिशी बारी खेली थी और 46 रन खड़े किए थे अपनी टीम के लिए। आज जो कि हाई स्कोरिंग मैच जा रहे हैं मॉर्निंग से, आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। स्टार्ट तो अच्छा हुआ था लेकिन बॉल अच्छा लूज था लेकिन शॉट नहीं बैठा और टाइमिंग नहीं हुआ इसलिए मैदान में रुक गया बॉल। पॉली स्पोर्ट की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहना चाहेंगे? हाँ, अच्छी बॉलिंग है उनकी। ये थे मेरे साथ आतिश और कमेंट्री बॉक्स। इट्स ऑलराइट आरती। इस बीच एक बहुत खूबसूरत गेंद ब्लॉक ओवर में थी, बैकलिफ को नीचा किया था दीपेश माली ने। दीपेश माली, मैं तो अक्सर कहता हूँ ये लॉइन ऑफ मराठा पंजाब और लॉइन ऑफ मानकोली, ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। हालांकि पुश खेल के एक रन लिया है, बहुत खूबसूरत गेंद थी। ये देखिए किस तरह से टर्न किया था परनील। फुल टॉस गेंद, लेफ्ट स्वीप हवा में, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस 6 रन। आउट होके जा रहे हैं, सिक्सर लगाए यहां पर जबकि आउट हो चुके हैं दो बैट्समैन। ये देखिए किस तरह से कैलकुलेटेड। एक बात जरूर है कि तेज हवाएं बह रही है उसका फायदा जब इस एंड से गेंदबाजी होती है तो दाएं हाथ को मिलता है। दो ओवर की समाप्ति पर रन बने मराठा पंजाब के 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद। व्यासपीठावर आगमन झालेला आहे पाइपलाइन विभागीय विद्या प्रसारक मंडळाचे विद्यमान संचालक बळीराम शांताराम तरे दादा, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। व्यासपीठावर विराजमान सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं, सन्माननीय आमदार रुपेश दादा म्हात्रे, द लाइन ऑफ भिवंडी नगरसेवक संजय भाई म्हात्रे, महिंद्रा स्पोर्ट्स, मयुरेश एंटरप्राइजेस, गावदीप 40 प्लस भादवड यांच्या वतीने सहर्ष हार्दिक स्वागत। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रवि सर। दो ओवर की समाप्ति 26 रन, बहुत ही खूबसूरत शाम है इस वक्त एमएलए ट्रॉफी में क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग। एमएलए ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आमदार रूपेश म्हात्रे, लाइन ऑफ भिवंडी संजय म्हात्रे, महिंद्रा स्पोर्ट मयूरेश स्पोर्ट और गावदेवी भादवर 40 प्लस की जानिब से। खेल की शुरुआत होती भी मरता क्या ना करता अवि पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे। लंबा हिट लेने की कोशिश और दीपेश माली आउट। बड़ा झटका लगता हुआ मराठा पंजाब को, प्राइजलेस विकेट दीपेश माली, एक रन बनाकर आउट। पिंजरे में भेज दिया है, सिर्फ एक रन बनाया है दीपेश माली ने। देखना है कि दीपेश माली जो बहुत अच्छे फॉर्म में थे क्या कहते हैं वहां पर अपने ओपिनियन में। यहां मेरे साथ जुड़ चुके हैं दीपेश, जो अभी तक हमेशा से चाइना वॉल की तरह अपनी टीम के लिए खड़े रहते थे लेकिन आज सिर्फ एक रन बना के ग्राउंड से वापस आ गए। क्या लगता है आपकी टीम अभी भी फॉर्म एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएगी? स्कोर तो बैटमैन है और स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे वो लोग। बाकी क्या हुआ, जस्ट 1 रन। ये तो मेरे साथ दीपेश माली, ओवर टू इन कमेंट्री बॉक्स।
थैंक यू आरती। स्कोर इस वक्त 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। क्या कहेंगे संदेश पाटिल, जिस तरह दीपेश मालिया आउट हुए, बड़ा झटका लगा है मराठा पंजाब को। अगदी बरोबर आहे, मात्र गोलंदाजाने जी वापसी केलेली आहे, विकेट टेकर गोलंदाज स्वतः कर्णधार आवी एक चांगली स्थिती मध्ये नेऊन ठेवते जॉलीस्पोर्ट कामतगर संघाला। यस, नंबर 3 पे रैंक कर रहे हैं आवी पाटिल। गेंदबाजी का जहां तक इस सिटी क्रिकेट का ताल्लुक है, नए बैट्समैन लोकल बॉय यही के हरी जोशी अपने घरेलू मैदान पे खेलते हुए इस मरतबा गेंद को आने दिया, पुश किया, गेंद को मिड ऑन पे एक रन के लिए हरी जोशी का खाता खुला है। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 27 धावा पंपात धाव फलकावर चांगली स्थिती म्हणता येईल, अजूनही मी म्हणेल मराठा पंजाब एक चांगल्या स्थितीमध्ये आहे। 5 षटकांचा हा सामना आपण पाहत आहे, तिसऱ्या षटकाला सुरुवात झालेली आहे। आवी एक चांगली गोलंदाजी करते आपल्या संघासाठी। राईट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा लिविंग एज, गेंद लॉन्ग ऑफ पे गई है और कैरी होती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन। खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पे और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ पे, इसे कहते हैं क्रिकेट। मात्र चेंडू गेले बांद्रा असा झालेला आहे। क्या बात है, जाना चाहते थे पुणा, पहुंच गए बुलडाना, लेकिन ताकत कितनी थी शॉट के पीछे के बल्ले की जड़ से टकराने के बाद भी लॉन्ग ऑफ को क्लियर किया। इस बीच अगेन फ्लिक करते हुए बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन मौजूद थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर निहार, एक रन बनता हुआ। 40 प्लस की दोनों टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। निम्बोली स्पोर्ट्स और खारबा स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स में रहना है। अभी पाटिल आखिरकार विकेट टेकर गेंदबाज 3 नंबर पर रैंक कर रहे हैं, इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश। अपील वहां पर उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर टच से मसनी। उसामा जो नंबर 1 पे रैंक कर रहे, 2 ओवर में 34 दिए। राजन नंबर 2 पे रैंक कर रहे, 2 ओवर में 33 दिए। मात्र अभि पाटिल अजूनही मी म्हणेल चांगल्या स्थितीमध्ये गोलंदाजी करते, कारण की विकेट टेकर गोलंदाज आहे आणि त्यांनी सिद्ध करून दाखवले आतापर्यंत 2 विकेट घेतलेले आहेत अभि पाटिलने। यस, बहुत खूबसूरत गेंद थी, विकेटों के ऊपर से चली गई थी। तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है इस वक्त 34 रन। इस मरतबा पैरों के सामने ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में, एक रन बनता हुआ स्कोर में। 3 ओवर की समाप्ति, 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी वो टोटल नहीं है जो टोटल महेंद्रा ने रखा, जो टोटल वियान मित कुमार ने रखा था, लेकिन अगली दौड़ में क्या रनों की लूटमार मची रहेंगी, बताने के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं संदेश पाटिल। धन्यवाद सिद्दीक बावे सर, 3 षटकांचा खेल समाप्त होतोय। आपण पाहत आहे आमदार चषक 2017 आलेले सर्व मान्यवरांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करते, त्याचबरोबर सर्व क्रिकेट प्रेमी आपण पाहत आहे स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरीमध्ये आणि अर्घ्यपटे स्टँड मध्ये सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। आज निश्चितच गोल्डन वॉइस ऑफ मुंबई हरीश पांड्याजी आपल्यामध्ये आहेत, त्याचबरोबर आरती गुप्ता कोई अंकर स्पर्धेसाठी या ठिकाणी सन्माननीय रुपेश ठाकरेंचं आगमन झालेलं आहे। ट्रिपल एचचे सन्माननीय ऑपरेटर आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम सुस्वागतम। शिवनगरच्या माजी उपसरपंच छाया सुनील माळे आपलं हार्दिक स्वागत आहे, उद्योगपती वसंत गुर्वे साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत करतोय। आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर सचिनजी पाटील कामतगरचे उद्योगपती आहेत, त्यांना आपण अनुभवू शकता। ओर टू कॉमेंट्री बॉक्स उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं अंदाज चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आज 1 एप्रिल एक सुंदर चारोळी कवी सुरेश मुखादम यांनी पाठवली, ती म्हणाली उद्या माझा वाढदिवस आहे, मी तुला आय लव्ह यू म्हणेन, आज येऊन म्हणाली आता 2 एप्रिल फुलला तुझी वाट पाहिन। धन्यवाद कवी सुरेश मुखादम। प्रेम गोलंदाज सज्ज होते, आरके पाटिस्तान इनकम व्हाइट टॉम ओवर द विकेट सामना करतोय हरी। आपण बघितलं लेग स्टंपवर चेंडू होता, गोलंदाज थोडस स्लीप होत आहे, मात्र चेंडू व्यवस्थितरित्या कलेक्ट केला जातोय एसटी रक्षक राकेश पाटील। यस, प्रेम को गेंदबाजी दी गई है, तालुका क्रिकेट में साहेबान फक्की प्रेम बालाजी के नितिन। अरे या ठिकाणी कूपन फाडलं जाते माही बालाराम पाटील,
हार्दिक स्वागत आहे आणि तुम्हाला शुभेच्छा। ये वो गेंदबाज है संदेश जो मसल्स गेंदबाज है। अगदी बरोबर आहे, मसल पेस जास्ती पाहायला मिळतोय अशा गोलंदाजाकडून। पुन्हा एकदा सरळ ब्लेड ने आपण पाहतोय लॉन्ग ऑन लॉन्गच्या मध्यमध्ये ते चेंडू चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायमध्ये दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न करतायत, मात्र मला तरी वाटतं सिद्धिक बाबासे तीन धावा वाचलेल्या आहेत। यस, आउटस्टँडिंग फिल्डिंग फ्रॉम द फिल्डर, मूविंग इज लेफ्ट लाइक अ 10 यार्ड्स फ्रॉम हिज पोजिशन एंड सेविंग 3 रन्स फॉर हिज साइड, दिस इज द पीस ऑफ फिल्डिंग। चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायमध्ये हे पाहू शकतो आपण, ऍक्शन रिप्ले मध्ये दाखवलं आहे जम केली होती जवळजवळ तीन धावा वाचल्यात आपल्या संघासाठी। फ्रेम राईट अमोर द विकेट, फुलर लाईनचा चेंडू उत्तर मिळतोय चेंडूला, चेंडू जातोय सहा धावांसाठी डीपच्या बाहेर षटकार। पंच किया गेंद को कवर के ऊपर 6 रन। असे चेंडू निश्चितच प्रत्येक क्षणी आपण कुठेही मारू शकता, त्या प्रकारचं आपल्याला शॉर्ट सिलेक्शन पाहायला मिळालं सुनील घरतेजाकडून। नाही, गेंद की मेरिट पे खेले थे वहां पर। पुन्हा एकदा सुंदर असा फटका आपण पाहताय पहिल्या टप्प्यानंतर, चेंडू जातो सीमेच्या बाहेर मिड विकेटच्या बाहेर चौकार। नाउ सुनील गरत लुकिंग वेरी डेंजरस, ही टेकन इज द एरियल रूट, नॉट अ पॉझिटिव स्टंप फ्रॉम हिम on the up, lovely looking on drive. या आपण पाहू शकतो आपण शॉर्ट ऑफ फुल केला होता चेंडूला, सर्व अँगलने दाखवलं जात आहे हा कोणत्या प्रकारे शॉर्ट सिलेक्शन केला होता सुनील घरत याने। अप्रतिम फलंदाजी, षटकार त्यानंतर चौकार। भावेश सर, मला तर वाटतं 60+ जाण्याचा प्रयत्न करतायत मराठा पंजाब। यस, टुडे इज अ क्लॉडी डे एज ए क्लायमेट हिअर। अगदी बरोबर, आज सकाळपासून आज वातावरण थोडस चेंजेस पाहायला मिळतंय, मात्र क्रिकेट जो आहे हॉट क्रिकेट पाहायला मिळतं प्रेक्षकांना। फ्रेम राईट अमोर द विकेट, पुन्हा एकदा मोठा फटका आपण पाहताय मिड विकेटच्या बाहेर खूप लांब पडतोय। लुक एट द लेंथ ऑफ द सिक्सर, सुनील घरतची परफॉर्मन्स इतकी लगत आहे की के एक ना एक बैट्समैन गेट खड़े से चल जाता है वहां पर। धन्यवाद, नक्कीच या ठिकाणी आगमन होता है पालघर चे सन्माननीय आमदार अमित घोडा साहेबांचं आमदार चषक 2017 मध्ये हार्दिक स्वागत है, वेलकम सुस्वागतम सन्माननीय पालघर चे लोकप्रिय आमदार अमित घोडा साहेब, आपलं नक्कीच आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है, वेलकम सुस्वागतम आमदार चषक 2017 मध्ये शिखागमन झालेलं आहे। पालघरचे सन्माननीय आमदार अमितजी घोडा साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आमदार चषक 2017 साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। महाराष्ट्र विधानसभेचे सन्माननीय सदस्य अमितजी घोडा साहेब आपलं आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। अनुसूचित जमाती कल्याण समिति महाराष्ट्र राज्य के समिति प्रमुख भिवंडी पूर्व के सन्माननीय आमदार रुपेश दादा म्हात्रे साहेब आप मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम वेलकम स्वागतम सुस्वागतम वेलकम सुस्वागतम आमदार चषक 2017 ला शुभेच्छा देण्यासाठी पालघर के सन्माननीय युवा आमदार अमित घोडा साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा बिग शो आमदार चषक 2017 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। बरोबर, निश्चितच एक युवा नेतृत्व आहे, युवा व्यक्तिमत्व आहे पालघरचे सन्माननीय आमदार अमितजी घोडा साहेब, आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर त्यांना पाहत आहात, मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। त्यांच्या समवेत सन्माननीय आमदार रुपेश दादा म्हात्रे साहेब सुद्धा आहेत। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रवींद्र तरी सर, या आपण पाहू शकता आमदार साहेब त्यांना दाखवलं जात आहे व्यासपीठावर उपस्थित। प्रेम राईट अमोर द विकेट, आपण पुन्हा एकदा बघितलं एक सुंदर शॉर्ट सिलेक्शन पाहायला मिळतं चेंडू सहा धावांसाठी षटकार जातोय। अप्रतिम दर्जेदार फलंदाजी पाहायला मिळते सिद्धिक बाबा सर। रहे वो
गेंदों को बहुत अच्छा मिडल किया है और सबसे बड़ी बात है कि गेंदों को उनके मेरिट पे खेला है। ये देखिए बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद थी, आगे रखा था, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा था, शॉट के पीछे एग्जीक्यूशन लाजवाब, गजब का शॉट, 6 रन। 58 धावा झालेला आहे, 10 फटकार आपण पाहतोय 58 3 विकेट्स मराठा पंजाब। शेवटचा षटक असणार आहे, पाहूया नक्कीच। आपण पाहतोय आपल्या व्यासपीठा विराजमान आमदार चषक 2017 मध्ये या चषकाला शुभेच्छा देण्यासाठी पालघरची लोकप्रिय युवा आमदार सन्माननीय अमित जुगाडा साहेब पुढच्या एकदा आपल्या भिवंडी नगरीमध्ये आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम, सुस्वागतम। धन्यवाद मनोहर तरे सर। शेवटच्या षटकाला सुरुवात होते, आपण पाहताय क्रिकेट ग्राउंड मध्ये चालू असलेला सामना, आपण पाहते जॉलीस्पट कामतकर आणि मराठा पंजाब। मराठा पंजाब या संघाने आतापर्यंत 4 षटकामध्ये 58 धावा, 10 फलकावर जोडलेला आहे। सुनील गरत षटकाचा हा सामना, सुनील गरत 38 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी। मोहिल मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतात, फलंदाज हवे तसा बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येत नाही, वाईड लॉंग क्षेत्रामध्ये चेंडू जात आहे, एक धाव मिळेला, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय या षटकामध्ये। सिद्दीक भावे सर, कम से कम धावने जर रुकलं तर एक चांगला सन्मानजक असा टार्गेट उभा राहू शकतो कामतगिर संघासमोर। यस, हरी जोशी अलग है, ऑफसाइड के बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर को वो खींच के मारा था उन्होंने, अगदी बरोबर। मोहिन फैटम ओवर द विकेट, मोठा फटका सुनील गरत याच्या बॅट मधून, स्वर्ग श्याम नेक गॅलरीला देणारा हा सलामी षटकार बॅट मधून निघतोय। सन्माननीय रुईदास म्हात्रे कावले यांनी आमदार चषक 2017 ला शुभेच्छा दिलेल्या, धन्यवाद रुईदास म्हात्रे साहेब। क्या शॉट खेला है वहां पर, ये देखिए पिछले पांव पे चले गए थे, ओवर पिच गेंद थी, श्याम नाइक गैलरी के ऊपर से गेंद को खेल दिया 6 रन। एक बात जरूर है कि 44 पे बल्लेबाजी कर रहे, एमएलए ट्रॉफी 2017 में अब तक 4 अर्धशतक लगे और 2 तो बिलाल शेख ने लगाए, 1 लगाया संदेश भुईर ने और 1 लगाया वाफाले के प्रशांत ने। देखना है क्या सुनील गरत सीजन का 37वां अर्धशतक लगाने जा रहे। अगदी बरोबर, हा एक प्रश्न पडलेला आहे कॉम्प्युटर बॉक्स साठी, मात्र समोरचं स्वर्गीय श्यामने गॅलरी आणि आरके पाटील स्टँड याच्यामध्ये जर प्रेक्षकांनी कोणी कॅच पकडली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक देखील आहे, हे लक्षात घ्यायचं। आपण देखील आलेले सर्व सर्वप्रथम मान्यवर कक्षाला दाखवलं जात आहे, सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे व्यासपीठावर बसलेले सर्व मान्यवर। हमारे बीच अभी अभी पालघर के सन्माननीय आमदार अमित जी साहब, इनको आप टीवी पर देख रहे हैं, साथ में आपला आमदार रुपेश मात्रे जी, अन्य मान्यवर के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं क्रिकेट के रंग, महेंद्र स्पोर्ट्स के संग, एमएलए ट्रॉफी 2017। पव्या थोड़स थांबलं होतं खेल चेंडूच्या चर्चेमुळं, आता मात्र पुन्हा एकदा मोहिल आपण बघते राईट आर्म ओवर द विकेट होते, सामने के इन करून सामना करते फलंदाज सुनील गरत, आणि अशा प्रकारे क्या बात, चेंडू 6 धावांसाठी आणि अशा प्रकारे 50 धावा पूर्ण होत आहेत सुनील गरतचे, डी गॅन देत आहेत डगआउट मधून, कंग्रॅच्युलेशन्स। सिक्सर, कई बैट्समैन सिक्सर में ही डील कर रहे हैं, और एक बात तो जरूर है कि सुनील गरत ने ये बता दिया है, मराठा पंजाब की एक खासियत रही है, सुनील नहीं चले तो जीतू चलते हैं, जीतू नहीं चले तो यशपाल चलते हैं, यशपाल नहीं चले तो प्रतीक चलते हैं, प्रतीक नहीं चले तो आतिश चलते और आतिश नहीं चले तो दीपेश चलते। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल यही बोलने वाली थी कि मराठा पंजाब का हर प्लेयर अपने आप में काबिल है और कोई ना कोई एक भी टिक जाता है तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा कर देता है दूसरी टीम के सामने। मोहिल फेटा मोर द विकेट, लुजनर चेंडू आणि उत्तर मिळतोय त्या चेंडूला, पॉइंट क्षेत्राच्या बाहेर जाणारा हा षटकार आणि पंचाकडून 9 बॉलचा इशारा होतोय, 1+7। जले पे नमक वहां पे करेला और ऊपर से नीम चरा, और सुनील गरत ऐसा ऐसी गेंद को कहां छोड़ने वाले थे। ये देखिए सर, क्या मेरे को ऐसा लग रहा है कि सुनील गरत ने अभी अभी 6 बॉल में 6 सिक्स मारे हैं, इज इट राइट? 5 सिक्स आप लगा चुके हो,
पांच गेंदों में पिछली बहुत ही बढ़िया पांच चेंडू आणि पांच षटकार आपल्या पायामध्ये सुनील घरत मैन फ्रॉम अंजूर उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे आपल्या संघासाठी आपण पाहतोय आदरणीय सरपंच मधुकर थळे उपसरपंच पुष्पा माळी सदस्य वंदना थळे सदस्य कमलाबाई पाटील सदस्य अनिता सोन्या पाटील आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना भिवंडी तालुक्याचे सचिव संदीप पाटील सर आपला हार्दिक स्वागत देखना है छह गेंदों पे कंटिन्यू पांच गेंदों पे पांच सिक्स लगाए एक कीर्तिमान बनाने जाते इस ग्राउंड पे विशाल पाटील ने एमएलए ट्रॉफी में छह गेंदों में छह सिक्सर लगाए थे एक और आसमानी टोला ये तो गेंद बहुत दूर गई है और सुनील घरत भी इतिहास में जुड़ चुके हैं क्रिकेट के बारे में कि एक और 11 दीवाने लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बॉल को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे भाव नहीं दे रहे बस मैदान के बाहर ही फेंके जा रहे हैं सुनील घरत के इरादे मोहिल फ्लैट अमोर द विकेट पुनः एकदा ऑफ स्टंपर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते निर्धाव चेंडू जाते धाव संख्या आपण पाहताय 84 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत मराठा पंजाब या संघाचा हाई स्कोर आपल्याला पाहायला मिळते इसके बाद निंबोली स्पोर्ट और खारगाव स्पोर्ट का 40 प्लस का मुकाबला पुन्हा एकदा जोरदार अपील केली जाते आणि फलंदाज बाद होता आहे आउट झाल्यानंतर मात्र जी कामगिरी केलेली आहे आपण पाहताय 62 धावा काढलेल्या आहेत सुनील घरत याने निश्चितच पालघरचे सन्माननीय आमदार अमित जोहरा साहेब जिन्होंने अभी अभी कई सारी गेंद इस मैदान से उठा उठा के बाहर फेंक दी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है बॉल की उठा उठा के बाहर उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिए भाव देने का हमने स्कोर बनाने का फाइनल में जाने का था आपने इतना अच्छा स्कोर खड़ा किया और आपसे पहले एक एक क्रिकेटर आ रहे थे और जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि टीम प्रेशर में आ रही है लेकिन आपने आते ही वो सारा प्रेशर हटा दिया और अपना एक बहुत ही सटीक गेम दिखाया तो क्या लगता है कि सामने वाली टीम को कितनी परेशानी होने वाली है इस स्कोर को चेस करने में परेशानी तो होने वाली हमारे बॉलर अच्छे ऐसे अच्छे चल रहे रकीब है जीतू दादा है थैंक यू ये तो मेरे साथ सुनील जिनका ये कहना है कि उनके पास रकीब और बहुत सारे बॉलर्स हैं और बॉलिंग भी वो बहुत अच्छी करने जा रहे हैं और स्कोर तो उन्होंने पहले ही बहुत अच्छा खड़ा कर दिया है सामने वाली टीम के साथ इस ऑल राइट आरती आपको यहाँ आना है ओवर टू मनोहर तारे धन्यवाद हमदार चषक 2017 मध्ये व्यासपीठावर विराजमान पालघरचे सन्माननीय लोकप्रिय युवा आमदार अमित घोडा साहेबांचं स्वागत सन्मान करण्याची विनंती मी करतोय कार्यक्रमाचे सन्मान आयोजक भिवंडी महानगरपालिकेचे डॅशिंग नगरसेवक संजय भाई मात्र साहेब यांच्या शुभहस्ते सन्मान्य आमदार अमित घोडा साहेबांनी सन्मान होत आहे या ठिकाणी स्वागत होत आहे पालघरचे सन्माननीय आमदार अमितजी घोडा साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत सत्रामध्ये साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे सुस्वागतम आणि नक्कीच आमदार साहेबांना विनंती करतो की आपण नाणेबी करण्यासाठी आमच्या टॉक बॉक्सवर जायचंय त्यांच्या समवेत सन्माननीय आमदार उपेंद्रदा म्हात्रे साहेब सन्माननीय सिद्धिक भावे सर या ठिकाणी सन्माननीय आमदार साहेब नाणेबी करण्यासाठी येत आहेत ओटो सिद्धिक भावे सर धन्यवाद मनोहर तरे आइए टॉस के लिए इस वक्त टॉस बॉक्स में मैं हूँ सिद्धिक भावे मेरे साथ जुड़ चुकी है को इनकर आरती गुप्ता दोनों कैप्टन निंबोली निम्बोली स्पोर्ट और खारगांव स्पोर्ट्स के सम्मानीय आमदार हमसे जुड़ चुके हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ गोरा और आमदार रुपेश मात्रे आमदार साहब मैं आपकी मालूमात के लिए के ये जो सिक्का है वो बताना चाहूंगा
एक तरफ अपना आमदार जो आपके बाजू खड़े और एक तरफ महिंद्रा स्पोर्ट। टॉस से पहले मैं बताना चाहूंगी ये एक अलग ही तरह का क्रिकेट होने वाला है, क्योंकि ये और टीम्स के देखे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस टीम दोनों ही टीम में 40 प्लस के प्लेयर्स हैं और वो बहुत ही बेहतरीन उन लोगों का मैच एक्सपीरियंस के साथ हमें देखने को मिलने जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद है MLA जो कि टॉस कराने जा रहे हैं अपने ही हाथों से। ये टॉस का सिक्का उछलता हुआ, यस टॉस को जीता इस वक्त निम्बोली स्पोर्ट्स ने अपना आमदार। ये हम गिफ्ट दे रहे हैं आपको टॉस जीतने पर। निम्बोली स्पोर्ट्स ने टॉस को जीत लिया और उनको टॉस जीतने के लिए गिफ्ट भी मिल चुका है अपने आमदार के हाथों से। अनेक अनेक धन्यवाद सर, आपसे निवेदन है कि आपको मंच की शोभा बढ़ाना है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये 40 प्लस का सेमीफाइनल मुकाबला है, निम्बोली के कैप्टन ने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे आप? हम बैटिंग करेंगे पहले। बैटिंग करने के पीछे क्या रीजन है? सूरज ढल रहा है और रात में चेस करना पसंद नहीं कर रहे। वही प्रॉब्लम, बराबर। चार ओवर में कितने रन बनाना चाहेंगे? एक 45 से 50 तक बनाना चाहेंगे। वो कौन से बैट्समैन फलंदाज है जिन पे आप ज्यादा डिपेंड कर रहे? साईनाथ है, विजय है। तो क्या अपेक्षा है कि निम्बोली की टीम फाइनल में पहुंचने जा रही है? हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक अलग ही तरीके का मैच हम देखने जा रहे हैं 40 प्लस का, और ऑलरेडी तीन तीन राउंड खेल के इस राउंड तक पहुंचे हैं, ये आपका सेमीफाइनल है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी टॉस जीतना कितना जरूरी था आपके लिए? जरूरी था, लेकिन हम फील्डिंग ही लेने वाले थे टॉस जीतकर। लेकिन आपको ऐसा लगता कि सूरज ढल रहा है और सूरज ढलने से रात के टाइम चेजिंग में प्रॉब्लम होती है? हमारे पास बैट्समैन है, वो चेज कर सकते हैं। सामने वाली टीम का पहले भी आपने मैच देखा होगा, तो उनके उस गेम को देख के आप किसी तरीके की प्लानिंग, किसी तरीके का तैयारी, किस तरीके की तैयारी लेके आप मैदान में उतर रहे हैं? प्लानिंग यही रहेगी कम से कम रन से रोकना चाहूंगा। ये थे मेरे साथ दोनों ही टीम्स के कैप्टन। निम्बोली स्पोर्ट्स ने जीत लिया है टॉस को और उन्होंने चूज किया है बैटिंग को। ओवर टू यू। इस तरह टॉस बॉक्स से न्यूज़ है कि निम्बोली वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। आइए हम आपको कमेंट्री बॉक्स में लिए चलते हैं, जहां पर अजय घरत और शाहिद खान कमेंट्री के लिए तैयार है। ऑल द बेस्ट टू द कैप्टन्स ऑफ बोथ द टीम्स। और अब मैं बढ़ रही हूं पवेलियन बॉक्स की ओर, जहां पे जॉली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स एकदम तैयार बैठे हुए हैं। थैंक यू आरती गुप्ता मैडम, व्यासपीठ विराजमान सन्माननीय मान्यवर आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय। सन्माननीय माजी सरपंच वाडा श्री नरेश आहटी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी हे कार्यक्रमाचे आयोजक संजय भाऊ मात्रे यांना करतो की आपल्या शुभ सरपंचांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। सरपंच साहेब आमदार जयशोक 2017 मध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे। तर सन्माननीय विलासजी चौरे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा विनंती करतोय आपण पुढील आमच्या स्वागताचा स्वीकार करायचे। वाड्यातील हे सर्व कार्यकर्ते आहेत। आमदार चषक 2017 मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। तसेच या ठिकाणी उपस्थित वेलेगावचे सरपंच मधुकर तुकाराम थाय साहेब या ठिकाणी उपस्थित, त्यांना विनंती करतो की आपण पुढे यायचं आहे, त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान आमदार चषक 2017 मध्ये केलं जात आहे। तसेच युवा अधिकारी वाडा तालुका निलेश दशरथ पाटील अभि पाटील के साथ जुड़ चुकी हूँ। धन्यवाद आरती, मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सत्कार सम्मान हो रहा है उसके बाद। निलेश दशरथ पाटील युवा अधिकारी वाडा तालुका, स्वागत आणि सन्मान संजय भाई मात्रे साहेब यांच्या शुभास्ते होत आहे। तसेच सन्माननीय वेळगावचे उपसरपंच पुष्पा वामन माळी या ठिकाणी मॅडम उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती करतो आपण पुढे यायचं आहे, त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी संजयभाई मात्रे यांना करतो। आपल्या शुभास्ते सन्माननीय उपसरपंच वेहरेगाव पुष्पा वामन माळी यांचं स्वागत करायचं आहे। तसेच वंदना काळुराम तळे सन्माननीय सदस्य आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत वेहले वंदना काळुराम तळे मॅडम आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। तसेच सन्माननीय सदस्य कमलाबाई जमन पाटील यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करायचं, मी त्यांना विनंती करतोय आपण पुढे यायचं आहे। कमलाबाई जमाने पाटील आपलं देखील स्वागत आणि सन्मान होत आहे। तसेच सन्माननीय सदस्य अनिता सोन्या पाटील मॅडम आपण सुद्धा पुढे यायचं आहे, आपलं देखील स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी सन्माननीय संजयभाई मात्रे साहेबांना करतोय। तसेच शिक्षक सेनेचे सचिव संदीप पाटील सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आपण सुद्धा पुढे यायचं आहे, त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी या ठिकाणी करतोय। तसेच सन्माननीय विभाग प्रमुख
शांतिनगर वसंत गोवी साहब उपस्थित है विनंती करते हैं वसंत गोवी साहब अपन पुढे स्वागत स्वीकार कराया है। तसेच पुणेगाव के उद्योगपति सुदाम पुंडलिक चौधरी या ठिकाणी उपस्थित है विनंती करते अपन पुढे जाए पुणेगाव के सन्मान्य उद्योगपति सुदाम पुंडलिक चौधरी यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठावर करण्याची विनंती मी संजय भाई करतो की आपल्या शुभस्थे आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। तसेच सामाजिक कार्यकर्ते विनायक पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। विनायक पाटील साहेब आपण पुढे यायचं आहे त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। तसेच रघुनाथ पाटील आपण सुद्धा पुढे यायचं आणि या स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे। वेलकम सुस्वागतम आमदार चषक 2017 मध्ये आपले सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। तसेच व्यासपीठावर विनायक पाटील आणि त्यानंतर रघुनाथ पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। माजी उपसरपंच खोनीगाव पंढरीनाथ पाटील यांना विनंती असेल आपण पुढे यायचं आहे। सन्माननीय रघुनाथ पाटील आपण सुद्धा पुढे यायचं त्यांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे। त्यानंतर माजी उपसरपंच खोनीगाव पंढरीनाथ पाटील यांना विनंती असेल आपण पुढे यायचं। तसेच माजी सरपंच गोरसई आत्माराम केने साहेब आपण सुद्धा पुढे यायचे आपलं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी संजयभाईंना करणार आहे। पंढरीनाथ पाटील माजी उपसरपंच खोनी आत्माराम केने माजी सरपंच गोरसई यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। सन्माननीय आत्माराम केने माजी सरपंच गोरसई यांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे। तसेच भिनार गावचे सामाजिक कार्यकर्ते रमेश भोईर यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी संजयभाईंना करतोय। रमेश भोईर आपण पुढे यायचंय त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठावर केलं जात आहे। ओलीगावचे उद्योगपती रघुनाथ पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांना विनंती करतो की आपण पुढे यायचंय। रघुनाथ पाटील ओवली आणि तसेच पाईपलाईन विभागीय विद्या प्रसारक मंडळाचे माजी अध्यक्ष शिरीष दादा नाईक आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। तसेच टीडीसी बँकेचे माजी संचालक शत्रुघ्न दादा नाईक आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद तरे सर 85 रनों की चुनौती। नक्कीच या ठिकाणी उपस्थित माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत शिवनगर चौधरवडा छाया मारी मॅडम या ठिकाणी या गावच्या कन्या आहेत सुपुत्री आहेत त्यांचं आपल्या गावच्या कन्या आहेत आणि सरपंच शिवनगर चौधरवाडा यांचं स्वागत आहे। सन्मान व्यासपीठावर संजयभाई मात्रेंच्या शुभास्ते होते। पुढच्या एकदा आपल्या सर्वांचं आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। थँक्यू ओवर कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद मनोहर तरे सर। डीजे दीपेश जो वायर वाला माइक आया है उसकी आवाज को ऊंचा करें। जॉली स्पोर्ट्स का स्कोर इस समय केवल 2 रन 85 रनों की एक बड़ी चुनौती। ड्राइव किया है गेंद को हवा में लेकिन अच्छा प्लेसमेंट वहां पर बढ़िया फील्डिंग हरी थे डीप में सिर्फ 1 रन 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है जॉली स्पोर्ट्स के सामने। मराठा पंजाब ने शानदार बल्लेबाजी की। सुनील गरत ने इतिहास रचा 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के जड़े। हालांकि अलग अलग ओवर्स में उनके शॉट्स आए थे। इस बार रिवर्स बढ़िया शॉट 4 रन। धीमी शुरुआत फिर भी 7 रन बिना किसी नुकसान के एक ओवर के बाद। थैंक यू कॉमेंट्री बॉक्स आमदार के सुख 2017 मध्ये या पाहुण्याने निश्चित उपस्थिती लावली ते आमच्या सन्माननीय आदिवासी विकास मंत्री विष्णुजी सावरा साहेब महारचे सन्माननीय आमदार भरतजी गोगावले संभाजीनगरचे आदरणीय आमदार संजयजी शिरसाट तसेच माजी आमदार शहापूर दौलतजी दरोडा भिवंडी ग्रामीणचे सन्माननीय आमदार शांतारामजी मोरे साहेब आणि आज अमितजी घोडा साहेबांचं सुद्धा आगमन झालंय। सन्माननीय आमदार रुपेशदादा म्हात्रे साहेब हे निश्चितच पोटनिवडणुकीत जिंकून आमदार म्हणून निवडून आले आणि अमितजी घोडाल साहेब सुद्धा पोटनिवडणुकीमध्ये विजय झाले। दोन्ही आमदार या ठिकाणी स्मिता हस्याने व्यासपीठावर विराजमान आहेत। स्वर्गीय महेंद्र लक्ष्मण म्हात्रे व्यासपीठ आणि निश्चितच क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करतोय कारण या क्रीडा रसिकांनी आमदार चषकाला निश्चितच एक 4 चांद लावलेले आहेत। अमित घोडा साहेब सन 2013 पासून आमदार चषकाला या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर सुरुवात झाली आणि हे 5वं वर्ष आहे।
सन्माननीय आमदार साहेबांच्या वतीने 2017 या आमदार चषकामध्ये भिवंडीतील जवळजवळ 500 विधवा गरजू महिलांना शिलाई मशीनचं वाटप हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम साहेबांनी हातात घेतला आहे. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. एक बात ध्यान रखे दोनों टीमें, एक टीम को हमारे दाएं ओर के डगआउट में बैठना है. पहले मराठा पंजाब बैठी थी, ये मैच में चलेगा, और दूसरी टीम जो रहेंगी हमारे बाएं ओर का जो डगआउट है वहां पे बैठना है. दोनों डगआउट में दो टीमें बैठेंगी. डेड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर विलास जाधव यासिर आए हैं गेंदबाजी के लिए, मराठा पंजाब के स्पीडस्टर. यस, इज अ पेस एंड क्यूरियस बॉलर यासिर शेख. आरके पटेल स्टैंड एंड से यासिर बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी है, मेडल नहीं कर पाए बैट्समैन निहार, केवल एक रन. हालांकि अजय गरत आगे रखा था, शॉट्स को टाइम नहीं कर पाए थे. फ्रंट फुट जब तक गेंद की लाइन में नहीं आता है एक अच्छा शॉट नहीं निकलता है. गेंद में थोड़ा सा मोमेंट था, राउंड द विकेट गेंद की थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी, एक एंगल भी बन रहा था. इस बार बैक ऑफ लेन तेज सिंगल लेने की कोशिश में वहां पर बाल बाल बच गए, विकेटों पर लगती तो निश्चित रूप से जाना होता पवेलियन में बैट्समैन को. अच्छी शुरुआत यहां पर यासिर के लिए, पहली दो गेंदों पर केवल दो रन, रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के, जबकि चुनौती 85 रनों की है. लगातार आक्रामक बल्लेबाजी की आवश्यकता, लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेलने होंगे. ड्राइव हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, कोई गलती नहीं, अजीत थे वहां पर, और एक अच्छा कैच समाप्त करते हुए पहला झटका लगता हुआ जॉली स्पोर्ट्स को. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. और निश्चित अंदर के 2017 में अनुसूचित जमाती कल्याण समिति महाराष्ट्र के समिति सदस्य शाहपुर के सन्माननीय आमदार पांडुरंगजी बरोरा साहेबांचं सुद्धा आगमन झालं होतं. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. तसेच भिवंडी पश्चिमचे सन्माननीय आमदार महेशजी चौगुले साहेबांचं सुद्धा आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत झालं होतं. आणि निश्चितच भिवंडीतील तमाम गरजू महिलांसाठी सन्माननीय आमदार साहेबांनी शिलाई मशीनचं वाटप हा स्तुत्य उपक्रम, संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातून आमदार साहेबांचं या उपक्रमाबद्दल कौतुक होतं. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. 9 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय जॉली स्पोर्ट्स. नए बैट्समैन आए हैं यश, इस बार थोड़ा सा धीमा डाला था, नियंत्रण के साथ खेला हुआ शॉट, केवल एक रन. ऊपर खेलने की कोशिश नहीं की थी राकेश ने. राकेश एक चौका लगा चुके हैं, 6 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बनाकर खेल रहे हैं. कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ अब जुड़ते हुए सुभाष धुमाल. थैंक्स अजय. बेहतरीन शॉट, बढ़िया टाइमिंग, इस बार 6 रन. आमदार चषक 2017 में लगने वाला ये 500वां छक्का, इससे पता चलता है कि गेंदबाजों की अच्छी खासी पिटाई हुई है इस टूर्नामेंट में. 500 छक्के लग चुके हैं सुभाष धुमाल. निश्चित गोलंदाजान ही टूर्नामेंट खूब सी चांगली गेली पाहायला मिलत नहीं. सर मैंने कल भी देखा था कि जयेश ने मैदान में, यश ने उतरते ही मैदान में छक्का मारा था, तो वो तो सोच के उतरते कि मैं मैदान में उतरूंगा और छक्के लगाना शुरू कर दूंगा. शायद यही उनके सफलता की पूंजी भी है कि पहली गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलते हैं तो एक लंबी पारी भी खेल सकते हैं. आत्मविश्वास निश्चित रूप से मिलता है जब आप पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलते हैं तो. और सर जिस तरीके से मराठा पंजाब ने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी करी है, उसको देख के लगता है कि ये छक्के चौके उन्होंने हर बॉल पे लगाने पड़ेंगे, तभी ये चुनौती वो जल्द से जल्द पूरी कर पाएंगे. धन्यवाद आरती मैडम.
सन्माननीय आमदार अमितजी घोड़ा साहेब आपल्यामधून या कार्यक्रमामधून रजा घेत आहेत। निश्चितच आपण आमदार चषक 2017 ला साहेब उपस्थिती दाखवलीत आणि या स्पर्धेचा आनंद द्विगुणित केला, आपण सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक आभार आहे। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। देखिए आरती, जो आपने पूछा कि हर गेंद पर बड़े शॉट्स की क्या आवश्यकता है, निश्चित रूप से बड़े शॉट्स की तो आवश्यकता है और यही एक चारा है जिससे लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। 6 रनों से यश ने अपना खाता खोला है। आज दर्शकों की संख्या अच्छी खासी नजर आती हुई, यासिर ने अच्छी शुरुआत की, 4 गेंदें बहुत ही जबरदस्त की थी उन्होंने, लेकिन 5वीं गेंद पर छक्का लगा है। अभी भी एक गेंद शेष है दूसरे ओवर में, रन संख्या 16 एक विकेट के नुकसान पर। यहां से और 69 रनों की आवश्यकता है, केवल 19 गेंदे शेष। इस बार ऊपरी सिरा बल्ले का और आसान सा कैच, बढ़िया वापसी यासिर की। थैंक यू डीजे। अरे मित्रांनो, आमदार चषक 2017 मध्ये कमांडो जी बाइक आहे, अमेरिकन बाइक, या बाइकला खूपच पसंती दिले। या सर्व कूपन फाडणाऱ्या आमच्या सर्व बाइक चाहत्यांचं मी आभार व्यक्त करतोय। आणि अजूनही ज्या बाइक चाहत्यांना कूपन फाडायचे असतील, आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहत आहात, जवळजवळ 2.5 लाख रुपयांची ही बाइक आहे, 1000 रुपयांचं कूपन निश्चितच आमच्या व्यासपीठावर उपलब्ध आहे आणि आपण या कूपनच्या माध्यमातून लकी ठरू शकता। आमदार चषक 2017 मध्ये उद्याचा अंतिम दिवस आमदार चषक 26 मार्च पासून आमदार चषकाला छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर सुरुवात झाली आणि 2 एप्रिल रोजी अंतिम दिवशी हे लकी ड्रॉच्या माध्यमातून ही बाईक कोणाच्या नशिबात असेल, अजूनही नशीब अजमायचे असतील, तर आपण कमांडो बाईकच्या या कूपनचा आस्वाद घेऊ शकता। आमदार चषक 2017 ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। बिल्कुल तरे सर, ये तो कल पता चलेगा कि इस कमांडो बाइक के ड्राइविंग सीट पर कौन रहेगा, लेकिन इस मैच के ड्राइविंग सीट की हम बात करें तो अभी तक मराठा पंजाब 62 रनों की धुआंधार पारी सुनील घरत ने खेली, केवल 16 गेंदों में जिसमें 9 छक्के शामिल थे और उन्हीं की पारी की बदौलत 84 रन बनाए थे केवल 5 ओवर्स में। और सुभाष धुमाल, इस समय स्थिति नाजुक है जॉली स्पोर्ट्स की, 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। निश्चितच नाजूक स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आहे, मात्र पूर्णपणे पाडत जड आहे मराठा पंजाब या संघाचं। रकीब के ओवर की पहली गेंद, विकेटों के पीछे खेलने का प्रयास, शफल करते हुए बढ़िया गेंद आगे रखा था और बाल बाल बच गए वहां पर। राकेश स्टंप्स के नजदीक से गुजरी थी। बॉलिंग एक्शन बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल मानो जहीर खान बॉलिंग कर रहे हो। इस बार हल्का सा शॉट रखा था, उसका भी फायदा नहीं उठा पाए और अपील करते हुए जीतू गवली मामला टीवी अंपायर के पास जाता हुआ। नजदीकी मामला, मुकाबला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है यह मैच। बाउंस पर उठाया वहां पर जीतू ने। यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं अवि पाटिल। अवि पाटिल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतना बड़ा स्कोर है और आपके जो हाई स्कोरिंग बैट्समैन है वापस आ रहे हैं और डॉट बॉल्स जा रही हैं, आपको लगता है इस तरीके से जो एक स्कोर इतना बड़ा खड़ा हुआ है आपके सामने, आप उसे चेस कर पाएंगे? चेस करना तो अभी मुश्किल है क्योंकि टारगेट तो बढ़ते जा रहे हैं, विकेट भी गिरे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे बैठे पहले ही हार मान चुके हैं? हार तो मानने का नहीं, जब तक लास्ट गेंद गिरती नहीं तब तक तो खेलते रहेंगे। आज आपने काफी अच्छी बॉलिंग में स्टार्टिंग करी थी लेकिन लास्ट तक आते आते लास्ट के 2 ओवर्स में 50 रन चले गए, ये सुनील घरत की बहुत अच्छी बैटिंग थी या आपकी तरफ से कोई भूल हुई? बैटिंग तो अच्छी हुई है, ग्राउंड के हिसाब से बॉलिंग उतनी फाइट नहीं हुई हमारी। ये थे मेरे साथ अवि, जिन्होंने ये कहा कि वो बहुत अच्छी फाइट बैक नहीं दे पा रहे हैं मराठा पंजाब को। ओवर टू यू इन कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद आरती गुप्ता। तीसरे अंपायर जो टीवी अंपायर है गोकुल दास पाटिल, वो और भी स्लो मोशन में देखना चाह रहे हैं।
ग्राउंड में खिलाड़ी इस समय इंतजार करते हुए टीवी अंपायर के फैसले का। शिवसेना विभाग प्रमुख साई मंदिर विनोद महादू पाटील आपला आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। टीवी अंपायर का निर्णय आना अभी बाकी है। बड़े गौर से देखते हुए इस समय अंपायर लाल बत्ती जलती हुई और बल्लेबाज को जाना होगा पेविलियन में। राकेश आउट हुए, कुछ खास नहीं कर पाए, एक चौका लगाया केवल और 7 मात्र रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले। तेज तर्रार पारी की आवश्यकता थी, वैसा खेल नहीं पाए, 8 गेंदों का सामना किया। और जब आप 85 रनों की चुनौती का पीछा करते हैं 5 ओवर के खेल में, इस तरह की पारी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक दुखदायी पारी कही जा सकती है उनके लिए। अजय अपन पहतो ज्याप्रमाणे सुरुवात हवी होती जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाला त्याप्रमाणे सुरुवात ही मिळालेली नाही। एक मोठ्या लक्ष्याचा फाटला करताना बऱ्याच वेळा अशा स्थितीमध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला आपण पाहिलेलं आहे। 16 रन अब 3 विकेटो के नुकसान पर लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ जॉली स्पोर्ट्स के लिए। ये देखिए वीआईपी डायस पर कई मेहमान इस आमदार चषक 2017 की शोभा को बढ़ाते हुए। नए बैट्समैन आए हैं अमोल, मोती क्रीज पर मौजूद है लेकिन अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है, नॉन स्ट्राइकर है इन पर। और दोनों भी काफी अनुभवी खिलाड़ी है लेकिन मिडिल ऑर्डर में आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हालांकि मोती को हम आमतौर पर मिडिल ऑर्डर में ही देखते हैं लेकिन जिस तरह का लक्ष्य था कहीं ना कहीं आगे भी आ सकते थे। अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड खेला है लेकिन बाउंड्री वहां पर नहीं मिली, केवल एक रन। अब तो समीकरण ऐसा है कि हर गेंद पर लगभग चौका या फिर छक्का लगाना होगा मैच को जीतने के लिए। निश्चित एकेरी आणि दुहेरी धावने काही साध्य होणार नाही आणि जो फलंदाज त्यांच्याकडे एबिलिटी आहे मोठे फटके खेळण्याची, मात्र चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। इस बार जाने दिया, फुल टॉस बन रही थी लेकिन दिशाहीन गेंद थी, व्हाइट का इशारा। स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ, 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। या ठिकाणी कमांडो बाइक साठी बजरंग नामदेव म्हात्रे यांनी नक्कीच लक्की ड्रॉ चं हे लक्की कूपन घेतलेलं आहे, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थँक यू। जॉली स्पोर्ट्स की जो गेंदबाजी थी, हमने देखा कि पहले 3 ओवर में 35 रन खर्च किए थे गेंदबाजों ने लेकिन आखिर की 2 ओवर्स में काफी पिटाई हुई और 49 रन बनाए थे बल्लेबाजों ने मराठा पंजाब के। क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंदबाजी, विकेट कीपिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है। विकेट कीपर जीतू गवली की यहाँ पर सराहना करनी होगी जिस तरह से उन्होंने विकेट भी प्राप्त किया। निश्चितच आणि गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते आपल्याला मराठा पंजाब संघाकडून, सर्वप्रथम फलंदाजी आणि त्यानंतर गोलंदाजी। दबाव बनाया हुआ है विकेट कीपर ने, बल्लेबाज साहस नहीं जुटा पा रहे आगे निकलने की। ओ एक और बेहतरीन गेंद, इस बार खोल के रख दिया था मोती को, मोती कठिनाइयों में है, 2 गेंदे खेली अभी तक खाता नहीं खोल पाए है। शानदार गेंदबाजी रकीब की, वन वे ट्रैफिक इस मैच में देखने को मिला है मराठा पंजाब की ओर से, पहले बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में। इस बार फोर्स किया है, टॉप एज लगा है और आसान सा कैच, संघर्ष वहां पर समाप्त होता हुआ मोती का।
आए थे फुल शॉट खेलने के। और देखिए जिन्होंने लास्ट ईयर इन्होंने मराठा पंजाब ने 95 रन्स की टारगेट रखा था और जॉली स्पोर्ट्स ने एक रिकॉर्ड चेजिंग करी थी और आज वही दोनों टीम्स आमने सामने हैं, लेकिन आज जॉली स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा फीका पड़ रहा है। निश्चितच अर्थी गुप्ता, गेले वर्षी तेजसिंगचा रेकॉर्ड होता यशस्वी धावांचा पाठलागा, तो धावांचा पाठलाग नाही, तिथं मराठा पंजाब संघाने मराठा पंजाब संघाविरुद्ध जॉली स्पोर्ट्स कामतगड संघाने गेला होता, मात्र यावेळी त्या उलट चित्र आपल्याला पाहायला मिळतोय। और इस सत्र की हम बात करें भिवंडी सिटी टेनिस क्रिकेट में सबसे बड़ा रनचेज, सफल रनचेज हमने देखा था मापोली क्रिकेट धमाका में, बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ जब सेमीफाइनल मैच में महेंद्रा के सामने धनेश 11 कोकसे ने 99 रन चेज किए थे। उसके बाद हमने बाली ट्रॉफी में भी देखा कि 97 रन चेज करते हुए टीम जीती थी विनर एनआर बोरपाड़ा के सामने। निश्चित महेंद्रा स्पोर्ट्स आणि धनेश 11 या दोन संघादरम्यान सामना झाला होता। सर ये तो कहना पड़ेगा कि मराठा पंजाब तो एज इट इज अपने परफॉर्मेंस पे, वहां 95 पे यहां 85 है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन जॉली स्पोर्ट्स थोड़ा पीछे रह गया। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है समय के मामले में सहयोग करना है, खासतौर पर मराठा पंजाब, मराठा पंजाब के कैप्टन, पेनल्टी लग सकती है आपको। पुल करने की कोशिश पूरी तरह से बीट होते हुए यासिर ने इस पारी में हमने देखा है पहला ओवर भी लगातार राउंड द विकेट गेंदबाजी की थी, कौन बना रहे हैं, उछाल अच्छा मिल रहा है उनको क्योंकि वो डेक को हिट कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जोर लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे खेलपट्टी कड़ू यासिरला चांगली मदद मिलते, खेलपट्टी का चांगला फायदा एकंदरीत कर गोलंदाजा ने, उनका कद भी अच्छा है, लंबे ऊंचे कद के है, बॉलिंग एक्शन भी काफी अच्छा है, छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिनसे मदद मिलती रहती है। इस बार भटके थे लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाया, उठा पाए वहां पर बल्लेबाज, एक ही रन। केवल औपचारिकता है शेष है। इस बार पुल किया है, अच्छा शॉट, काफी ऊंची गई है, 6 रन। हेलो पंडित जी गुड़वी यानी निश्चित कमांडो बाइक साठी दोन पावते या ठिकाणी दोन कूपन फाड़े अपन अपने टीवी स्क्रीन वहू शकता, इच्छा है कमांडो बाइक वर स्वार होने की इच्छा पूर्ण हो, आम तर्फे हार्दिक शुभेच्छा। अपनी इच्छा असेल रघुनाथ दत्तात्रय पाटील ओळीचे समाजसेवक आहेत, यांनी सुद्धा ती कूपन फाडलेली आहे, मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। उपशाखा प्रमुख नारायण तरे काका आपलं सुद्धा मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय, सुस्वागतम। इस बार गति परिवर्तन समझ नहीं पाए थे, जाने दिया, लेग कटर, बहुत बढ़िया लेग कटर वहां पर यासिर ने की, चांगले विसरण पाहायला मिळतंय यासिरच्या गोलंदाजी मध्ये। मागचा चेंडू आपण अजय बघितला, थोडस गती परिवर्तन केलं होतं, चेंडू ऑफ द फेस टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला होता गोलंदाजा मार्फत, उंगलियों को रोल करते हुए गेंद की बाई तरफ। इस बार तेज तर्रार ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर, देखना है बैट से लगी या नहीं रन पूरा करते हुए, जी नहीं, लेग बाई के रूप में ये सिंगल आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। क्रीज पर बल्लेबाज अमोल और प्रेम, प्रेम 6 पर खेल रहे, अमोल खेल रहे 2 रन बनाकर। आप देख रहे हैं इस समय आमदार चषक 2017, आज 7वां दिन 7वीं रात शुरू हो चुकी है, फ्लड लाइट्स कब के ऑन हो चुके हैं। लोवर फुल टॉस, मिड विकेट पर फील्डर और यहां पर डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, निशाना चूका दीपेश का,
एक रन पूरा होता हुआ ओवर समाप्त हुआ चौथा। न्यू प्रगति क्रीडा मंडळाचे चिटणीस कैलास पाटील आपला आमदार चषक 2017 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे। आणि या ठिकाणी निश्चित मनोहर तरे यांनी कूपन फाडलेला आहे आणि नाव आहे हिराबाई गुरुनाथ तरे यांच्या नावाने आपल्या आईच्या नावाने कमांडो बाईक या ठिकाणी आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर त्यांना आपण पाहत आहात। मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा आहे, तुमची इच्छा पूर्ण होईल, बेस्ट ऑफ लक, वेलकम विलाजी बालू आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। यानंतर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना भिवंडी तालुक्याचे आदरणीय सचिव संजीवजी पाटील तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे सन्माननीय खजिनदार नंदू नाईक सर आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत, वेलकम श्रीकांत भोईर सर। मराठा पंजाब टीम को 3 रनों की पेनल्टी घोषित की गई है समय के मामले में सहयोग ना करने के लिए, 3 रनों की पेनल्टी, स्कोर अब 30 रन। ऊंचा उठा दिया है फील्डर, वहां पर बढ़िया ड्राइव कर रहे थे लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए, कैरी नहीं की वाइडिश डीप मिड विकेट पर प्रतीक के पास, और जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास। चारों का निश्चित कर दिया है यहाँ पर मराठा पंजाब ने जॉली स्पोर्ट्स को। इस बार ड्राइव लगाने की कोशिश, मोटा सिरा बल्ले का, केवल 1 रन, स्कोर 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजों ने काफी निराश किया आज जॉली के, और बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए, बड़े स्कोर के सामने कहीं ना कहीं दबाव में आ गए। इस बार काफी दूर से उठा दिया है गेंद को, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर पहुंचे लेकिन कैच छूटता हुआ, हालांकि उस कैच का ज्यादा मलाल नहीं रहेगा फील्डर को कैच छूटने का, क्योंकि स्थिति काफी मजबूत है। आखिरी 3 गेंदे शेष, हरी दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस बार उल्टा शॉट खेलने की कोशिश, सफलता नहीं मिली, डॉट बॉल। नहीं तो अजय जवळ जवळ विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेला आहे मराठा पंजाब संघ, आणि फक्त फॉर्मॅलिटी औपचारिकता शेष राहिलेली आहे। काफी अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के ऊपर से चली गई थी। इस बार ड्राइव किया हवा में, लॉन्ग वन के ऊपर से गुजरती हुई गेंद, 6 रन। देर हो चुकी है, ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया था, जरा सी ऊपर से निकल गई दर्शकों के बीच में 6 रनों के लिए। आखिरी गेंद कवर ड्राइव फील्डर बाउंड्री पर लेकिन रोक नहीं पाए, 4 रन। मैच समाप्त होता हुआ, मैच को जीत लिया है मराठा पंजाब ने, एक भव्य जीत इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच में, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करती हुई मराठा पंजाब। अरे धन्यवाद, पुनः एकदा एक कूपन येतोय विलासजी बालू म्हणजे विलास शैलेश पाटील यांनी कमांडो बाइक साठी एक जबरदस्त 1000 रुपयांचं कूपन या ठिकाणी घेतलेलं आहे। या ठिकाणी त्यांना आम्ही शुभेच्छा देत आहोत, आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर त्यांना पाहू शकता। भाऊ तुम्हाला आता शुभेच्छा देतोय, आणि लकी ड्रॉ मध्ये जर तुमचा नंबर लागला तर आम्ही तुम्हाला गाडी देणार, मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा आहेत। आणि या सामन्यामधील मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय मॅन फ्रॉम अंजोर सुनील घरत, ज्याने यंदाच्या हंगामामधील तब्बल 36 अर्धशतक झळकवलेलं आहे। आणि निश्चित बंडू धाबा या धाब्याचे मालक आहेत, त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी 1000 रुपयांचं कूपन कमांडो बाईकवर स्वार होण्याची त्यांची सुद्धा इच्छा आहे। आता आम्ही तुम्हाला शुभेच्छा देतोय सुनील घरत, आपण त्वरित यायचं आहे व्यासपीठाकडे, तसेच ग्राउंड खाली करायचं आहे, आपण जे प्रेक्षक आहेत आणि अवंतर खेळाडू त्या ठिकाणी दिसत आहेत, आपण बाहेर निघायचं आहे। आमदार चषक 2017 क्रिकेटचा महासंग्राम, भिवंडीतील एकता अखंडता आणि एकात्मतेचा संदेश देणारी
पांचव्या वर्षात पदार्पण केल्यानंतर आमदार चषक 2017 जी ही शान मित्रांनो जवळजवळ मराठा पंजाब अभिनंदन अपन कृपया बाहर ये धन्यवाद मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड देते हैं सुंदर ट्रॉफी दी है सन्मान्य विनायक पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ते हे ट्रॉफी द्यायची जी स्पॉन्सर केलेली एस डी एस ग्रुप दिलीप बापा नाईक सुरेंद्र शंकर पाटील यांच्या माध्यमातून विभाग प्रमुख वसंत गुरु साहेब यांच्या शुभास्ते कुंदन पाटील यांच्या माध्यमातून दिलेला हा घड्याळ गिफ्ट टेम्पल देतोय श्री दादा नाईक माझे अध्यक्ष पाईपलाईन विभाग विद्यापीठ मंडळाच्या वतीने आपण देतोय जो स्पॉन्सर केलेला आहे शिवसेना विभाग प्रमुख विश्वनाथ दादा नाईक यांनी तसेच कोणीचे समाजसेवक या ठिकाणी उपस्थित आहे त्यांच्या शुभ हस्ते आपण हे गिफ्ट टेम्पल देतो जे स्पॉन्सर केले बबन पाटील शाखा प्रमुख सरलीपाडा खूप खूप अभिनंदन आमदार चषक 2017 मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे बदलगावचे ज्येष्ठ नागरिक गणेश सिंधू म्हात्रे देखील हार्दिक स्वागत आहे